अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक है, मैं हूँ आपकी अपनी महक मलिक। सो मेरा डिज़ाइनर आ चुका है और मेरे ड्रेसेस भी आ चुके हैं जो अभी मैं पहन कर देखूँगी और आपको भी दिखाऊँगी। माशाल्लाह, ये देखो, ये तो ब्राइडल ही सूट लग रहा है मुझे, ब्राइडल्स। चले ठीक है, अभी मैं देखा जादू जादू जादू। ओह माशाल्लाह। नई नवेली दुल्हन, आपको पता आपकी हवेली में, माशाल्लाह आप तो मेरा ज़रा ख्याल नहीं रखते, देर के घर में आते हैं आप। मैंने नहीं बोलती आपसे, जाओ। चलें ठीक है, मान जाती हूँ, दोबारा जल्दी आना घर। अच्छा, इतनी देर से नहीं आना। ठुकराइन आपका इंतज़ार करती रहती हूँ। ठुकराइन, अगर आप ज़मींदार हैं तो मैं ठुकराइन हूँ, ये याद रखिए। मेरी रगों में खून मलकों का खून। अब मैं एक्सचेंज करूँ? कितना गरूर है आपको अपनी दौलत पर, क्या दे सकते हैं हम? अगर इतना ही गरूर है तो हमें वही दे दें, दो रातें जो हमने आप पर खर्च की है। लौटा सकते हैं तो लौटा दें, जब तक आप नहीं आएंगे हमारे कोठे पे रौनक नहीं हो। हाय बारबी डॉल। बारबी डॉल। आज से हमारे तुम्हारी बराबरी हुई देव बाबू। अगर तुम जमींदार सुनकर इतराओगे तो मैं ठाकुरानी सुनकर इतराओगे। तुम्हें पैसे का गुरूर है, आज से मेरे पास भी दौलत है। इसका ये पल्लू सर का जाए रे तो फिर हो जाए। ओहा ओहा ओहा, कॉपीराइट आ जाते हैं ना, इसलिए मैं ना ऐसे जो है ना सॉन्ग आपको सुना रही हूँ। और माशाल्लाह से ये साड़ी भी बहुत प्यारी है। आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई लाइक इट। ये देखें माशाल्लाह, इसके ऊपर जो है ना मकैश का काम हुआ हुआ है। और ये साड़ी भी बहुत प्यारी, आई लाइक इट, आई लाइक इट। What's your problem? Tell me now. Just silent. Keep silent. Hi everyone. How are you? Hi, I hope you are doing well. Alhamdulillah. I'm fine. जो लुक दे रही हूँ ना वैसे ही बोलूँगी ना। कैसी लग रही हूँ? फिश, जल परी लग रही हूँ क्या? ये देखे गाइस, माशाल्लाह मेरे डिजाइनर बना के लेके आए हैं। सो वाइट शर्ट अभी ये नहीं लेके आए, ये कह रहे आप जो है ना आउटफिट से लेंगे वाइट शर्ट। तो फिर घर पड़ी हुई थी पुरानी, वो मैंने अभी पहन के, मैंने कहा चलो कंप्लीट तो पहन के देखूँ ना कैसे लग रहा है ये। कैसी लगी फ्रेंड्स? ये अभी मैंने, ये येलो है लेकिन इसके साथ स्किन पहनूंगी। ये देखें, ये गोल्डन में, ये इसके ऊपर उसका काम हुआ हुआ है। हाँ, ये लहंगे के ऊपर ना गोटे की पत्तियाँ जो है ना, गोटे दिया पक्षियाँ, वो तो पक्षियाँ नहीं ये पत्तियाँ हैं, ये गोटे की बनी हुई, ये हाथ का ना हैंडमेड है। हाँ, भावलपुर जो है ना नवाबों का सकाफती। और ये इसका दुपट्टा है कंट्रास्ट, कुर्ती के ऊपर जो है ना काम हुआ हुआ है स्टोन्स का, कैसा लग रहा है? फ्रेंड्स भी आई हुई हैं, आ जाए व्लॉग में आना चाहेंगी आप? कोई इशू तो नहीं? इधर आए, क्या नाम है आपका?
हाँ निशा, निशा, ये निशा है, ये तो मेरी हम नाम है, महक मेरी हम नाम। कैसी हो महक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो आप? खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी ये गुमनाम दोस्त ये मेरी गुमनाम फ्रेंड है। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ठीक हो? सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। नोटरी कच्ची पई हुई है? फुल 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 लो पतई पई हुई है। कॉलेज? हाँ। मेरी बात सुना, आ जाना, किधर है? चल सही, बैठो आप। अच्छी लग रही हो, प्यारा है। हाय, ये मैंने जो है ना पर्पल ब्लू है ना, और साथ में सूखा मेहंदी जैसे ग्रीन कलर होता है ना, वो वाला ग्रीन का है। और इसका दुपट्टा कौन सा कंट्रास्ट का है? पर्पल ब्लू। अच्छा, ये कंट्रास्ट है इसके साथ, तो ये भी अच्छा लग रहा है। ये मेरे डिज़ाइनर हैं, किमी भाई आ जाए, आप इधर आ जाए अगर आप। कैसे हैं आप? ठीक है। तो ये केमी भाई की सारी कलेक्शन है, और ये इंतखाब मैंने किए हैं, मतलब कि चॉइस मैंने इनको बताया कि ये मुझे बना दे, और बनाकर ये लेकर आए हैं। जी जी, डिमांड इनकी होती है, पूरी हमने करनी होती है। हाँ, हम कर देते होते हैं। इनको थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं। तो कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह, मुझे तो बहुत प्यारी इसलिए कि मेरे बने हैं शायद। तो ये कैमी भाई हैं, इनका बहावलपुर में है ये इनका काम बुटीक, तो वहीं से ये मेरे लिए लेके आते हैं ड्रेसेस। और अगर आपने भी बनवाने हैं बहावलपुर से ड्रेसेस, तो कैमीज उसके नवाबों के शहर से हैं, तो वहाँ पे आप इनसे जो है ना ड्रेसेस बनवा सकते हैं। और ये जो है ना मैरून में नीचे लहंगा है, और ऊपर जो है ना ये शेरवानी फ्रॉक है, मिनी फ्रॉक है। मैं इधर आ जाती हूँ, ये देखें, नीचे लहंगा और ऊपर ये वाली फ्रॉक है, अलग से सेपरेट शेरवानी फ्रॉक। दुपट्टा दीजिएगा इसका? दुपट्टे तो आई लाइक इट, ऑर्गेंजा के जो है ना, मेरा फेवरेट जो है ना दुपट्टा होता है ऑर्गेंजा में, अच्छा लगता है, सूट भी अच्छा लगता है। ये इनकी अपनी चॉइस है, ये इन्होंने खुद बनाया। ये राजस्थानी न्यू कंट्रास्ट और हाँ न्यू कंट्रास्ट भी न्यू है, और स्टाइल भी न्यू है। और ख़ासकर जो फिटिंग ब्लाउज की इस दफ़ा आपने रखी है ना, मैं तो कैसे फिटिंग बैठ रही है ना, आप कह रही हो ना स्मार्ट हुई हूँ, मैं कहती हूँ मैं इससे और ज़्यादा स्मार्ट होना चाहती हूँ। तो काम क्या, स्मार्ट होकर काम नहीं होता? इन्होंने हाँ अभी वैसे रिसेंटली अभी मेरा जो ड्रामा है, इसमें ड्रामे में तो और कमज़ोर हो जाऊँगी, स्मार्ट हो जाऊँगी, बट मेहनत करनी पड़ती है। आपको पता, जो इतने दूर दूर से आए हुए होते हैं, टिकट लेके बैठे होते हैं, फिर उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हाँ बहुत टफ। कैमी कह रहे हैं कि बैक पीस की दिखाएं, तो बैक आपको कैसी लग रही? मुझे तो अच्छी लग रही है, बैक पे स्टाइल जो है ना वो भी अच्छा है, अच्छी लग रही है बैक भी, बताइएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये माशाल्लाह लहंगा चोली है, और इसके साथ ये देखिए नीचे लहंगे पे ना कलरफुल है, ये देखो ये कलरफुल है, और इसके ऊपर ये कटवर्क हुआ हुआ है। कटवर्क ऐसे दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए ब्लैक के पीछे भी नहीं नज़र आया, ये देखो नज़र आ रहा है, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो। कट नज़र आ रहे? कट थोड़ा क्लोज करके दिखाओ। ये वेलवेट पे बना हुआ है, और नीचे शमोज है, ऊपर वेलवेट है, और कलरफुल ये देखो ना, जब मैं घूमूंगी तो नज़र आएंगे। ऊपर ब्लैक और मल्टी दुपट्टा है, और इसके ऊपर पल्स का काम हुआ, ब्लैक पल्स लगे हुए हैं और कट मोती लगे हुए हैं, उसका काम हुआ है। और इंशाल्लाह दूसरे कल पहनूंगी, और उसके भी फिर व्लॉग बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और मेरा कौन सा ड्रेस सबसे ज़्यादा आपको प्यारा लगा है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दारियल महक मलिक अपने चैनल को, और एक सरप्राइज़ भी है, वो अभी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, वो भी आपको बताऊँगी। तो बाहर मेरी फ्रेंड्स बैठी हैं, उनको एक दफ़ा दिखाऊँ, है ना। अच्छा ये कह रहे हैं कि ये वाला भी पहन के बस दिखा दो, बाकी कल पहन लेना। तो मैं थक गई हूँ। बस आज ये लास्ट है। तो ये देखो, ये भी ऑर्गेन्जा के नीचे लहंगा है, इसके ऊपर ये मल्टी काम हुआ हुआ है,
और ऊपर ये कुर्ती है और साथ में ये सिंपल दुपट्टा है। इसको गले में डाल देते हैं ऐसे। बस ये अलास है, इसके बाद मैंने नहीं पहना, मैं साफ बता रही हूँ। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करके आगे शेयर करें अपनी महक मलिक को। अच्छा दारियल महक मलिक आपका अपने चैनल सब्सक्राइब करें अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। चल अल्लाह हाफिज़।